जी, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह न्यूज इन खबर से, और मैं आज हसनपुर विधानसभा से बात कर रहा हूँ, जहाँ आज तेज प्रताप जी यहाँ से खड़े हैं। और आज बिहार में चर्चित है ये क्षेत्र, क्योंकि यहाँ आज यादव बाहुल क्षेत्र है और बहुत सारे संत महात्मा भी आए हुए हैं मथुरा से। मथुरा से भी एक संत आए हुए हैं, हम इनसे बात करना चाहते हैं। ये क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, इनको क्या महसूस हो रहा है तो बताइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद शर्मा है। कब? मैं मथुरा से आया हुआ। आप कब आए हैं मथुरा से? मुझे आज यहाँ 12 दिन होने जा रहे हैं। तो यहाँ आप क्षेत्र में घूमे हैं? क्षेत्र में घूमे हैं, बड़ा उत्साह है, उत्साह की लहर है, क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर है बिहार। और यहाँ की जो जनता है पूर्व से नीतीश सरकार से बहुत त्रस्त है, उससे छुटकारा पाना चाहती है और तेज प्रताप के विषय में बहुत आगे आना चाहती है, तेज प्रताप को लाना चाहती है, तेजस्वी सरकार बनाना चाहती है। क्या मतलब क्षेत्र में आपको आश्वासन मिल रहा है जो इनका स्थिति बढ़िया है? पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास दिया जा रहा है और उत्साह के साथ में जो है कि लोग आगे आ रहे हैं और तेज प्रताप का पूरे सहयोग कर रहे हैं। क्या आप वो तेज प्रताप जी कन्हैया जी के सेवक हैं, इसलिए आप मदद करने के लिए आए हैं? देखिए, तेज प्रताप जी का लगाव वृक्ष से बहुत पुराना है, 15 वर्षों से हम लोगों के पास तेज प्रताप जी वृंदावन मथुरा गोकुल महावन दावती आते हैं और आकर के वृक्ष सेवा करते हैं, वृक्ष की संस्कृति को बचाने में, वृक्ष के स्वरूप को बनाए रखने में, और वृक्ष का स्वरूप सुरक्षित रहे इसलिए सरकारों पर अपना दबाव बनाए रखने के लिए तेज प्रताप जी बराबर बिहार में तो संघर्ष करते ही हैं, कहीं ना कहीं वृक्ष में भी बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। आज उनके संघर्ष के कारण वृक्ष की संस्कृति जीवित बची हुई है। आप अकेले आए या कई लोगों का? नहीं, हम लोग कई, हम और साधु जी आए हुए हैं और कई लोग भी हैं जो सहयोग कर रहे हैं, वो क्षेत्र में निकले हुए हैं। आज हम लेट हुए हैं तो हम साथ में ही निकलेंगे। धन्यवाद। देख रहे हैं ये संत यहाँ पे आए हैं तेज प्रताप जी के मदद में, ये क्षेत्र में घूम रहे हैं, ये लोगों को बता रहे हैं जो ये ब्रिज से काफ़ी लगाव रखते हैं, कन्हैया जी के सेवक हैं, इनको आप मदद कीजिए। ये भक्त भी बहुत अच्छे हैं, सात्विक विचार के लोग हैं, तो ये देखना है जो संत महात्मा और नेताओं का मदद भी इनके लिए है। अब ये बहुत कम दिन है, 3-4 दिन चुनाव प्रचार बचा है, अब देखना है जो ये इन लोगों का मदद कितना कारगर साबित होता है। हसनपुर से सत्येंद्र कुमार सिंह।